लॉकडाउन के चलते 2 महीने से बंद रोडवेज बस सेवा आज से शुरू हो गई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद 55 मार्गों पर रोडवेज बस सेवा का संचालन शुरू हुआ और इसी के तहत राजधानी जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, चौमू पुलिया और दुर्गापुरा से भी बसों का संचालन किया गया। इस दौरान ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बाद ट्रांसपोर्ट नगर से करौली और धौलपुर के लिए रोडवेज बसें रवाना की गई। वहीं सभी बसों में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करवाई गई। आपको ये भी बता दें कि एक बस में केवल 30 यात्रियों को ही बैठने की अनुमति दी गई है और साथ ही यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। प्रदेश में करीब 2 महीने बाद आज से राजस्थान रोडवेज की बसें आम यात्रियों के लिए शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते रोडवेज बसें बंद थी, लेकिन गाइडलाइन 4 में ये छूट दी गई कि अब रोडवेज बसें एक जिले से दूसरे जिले में संचालित होगी और यात्री एक जिले से दूसरे जिलों में रोडवेज में सफर कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान काफी कुछ शर्तें रखी गई है और शर्तें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ऑनलाइन टिकट बुक करवाना होगा। इस वक्त हम मौजूद है ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टॉप पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो यात्री है जो सफर कर रहे हैं, लेकिन सफर करने से पहले यहाँ पर पूरा टेम्परेचर देखा जा रहा है, बुकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है लोगों की, उनका टिकट चेक किया जा रहा है और उनके मास्क का ध्यान रखा जा रहा है कि मास्क वो लगा रखे हैं या नहीं, क्योंकि जो मास्क लगाने इसमें कंपलसरी है और पूरी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर यात्रियों की जा रही है, उसी के बाद बस में बिठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर ये जो यात्री है और ये बस में बैठकर सफर करेंगे, उससे पहले इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इनका टेम्परेचर देखा जा रहा है और मास्क लगाकर ही इनको बस में बिठाया जा रहा है। पहले रोडवेज जो बस थी वो सिंधीकेम बस स्टॉप से संचालित होती थी, लेकिन वहाँ की जो स्थिति उसको देखते हुए, कर्फ्यू क्षेत्र को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टॉप से रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो 2 बसें खड़ी है, इन बसों से ये यात्री जाएंगे करौली धौलपुर के लिए बसें चलाई गई है। ये जितने भी यात्री यहाँ सफर कर रहे हैं इन्होंने ऑनलाइन जो टिकट है वो बुक कराया है और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और रोडवेज प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानी रखी जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान में रखा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी प्रकार से यहाँ पर यात्रियों की पूरी स्क्रीनिंग की जा रही है। हम यहाँ पे जो अधिकारी है हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानी रखी जा रही है। सर, आज से बसों का संचालन हुआ करीब 2 माह, लेकिन किसी प्रकार की रिस्क नहीं हो, क्या सावधानी बरती जा रही है? बस रिस्क नहीं है, यहाँ डिस्टेंस से बैठाया जा रहा है। गाड़ी की 48 सीटर गाड़ी है, केवल 30 सवारी से ज्यादा नहीं बैठाई जा रही और सबका स्कैनिंग करा के जा रही है। इनका हाई आ रहा है तो क्या ही पसीना में आ रहे बेचारे, धूप में आके थोड़ा हवा में करा के इनका सही स्कैनिंग सही आ रही है, फिर उनको बैठा रहे। रास्ते में कोई दूसरे स्टॉप पे बस रोकी जाएगी ना? बहुत नॉन स्टॉप जाएगी इसके, जब सवारी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो ज़्यादा नहीं बैठाई। सोशल का डिस्टेंस का भी तो ध्यान रखना है। ऑनलाइन जो टिकट बुक कराए उन्हीं को बस में बिठाया जा रहा है या जो ऑनलाइन नहीं करवाए वो भी यहाँ पर? कैपेसिटी है 30 सवारी, मान लो 27 सवारी ऑनलाइन है तो 3 सवारी और हम वैसे बैठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस गाइडलाइन में ये जानकारी दी गई थी कि ऑनलाइन टिकट बुक करवानी होगी। एक बस में जो रोडवेज बस है उसमें 50 सवारी बैठ सकती है, लेकिन जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करते हुए सिर्फ 30 यात्रियों को इसमें बिठाया जा रहा है। हालांकि अगर ऑनलाइन बुकिंग कम होती है और उसमें सीटें में जो बाकी रहती है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे यात्री सफर करना चाहते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके उनको बस में बिठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को एक सौगात मिली है लंबे समय के बाद, जो लोग जिनके पास वाहन नहीं थे और एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते थे वो अब सफर कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ यात्री भी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ जाएंगे और कहाँ के रहने वाले? हम तो भिलवाड़ा जाएंगे। आपने बुक कराया टिकट? नहीं सर। तो फिर आप कैसे सफर करेंगे? आप सर अभी आए थे इस गाड़ी में, आए थे जयपुर, आए अभी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी अब खुशी है क्योंकि जिन लोगों के पास निजी वाहन नहीं थे और वो कहीं फंसे हुए थे और उनका अपने गृह जिले में अपने घर जाना जरूरी था तो उनको सौगात मिली है। कहीं ना कहीं अब जो जीवन है सामान्य पटरी पर लौटता हुआ आ रहा है क्योंकि रोडवेज बसों का संचालन हुआ है। लंबी उम्मीद काफी लोगों को होती थी कि अब कहीं ना कहीं ये सफर शुरू हो तो अपने घरों में जा सके। तो ये कह सकते हैं कि 2 महीने बाद में आज रोडवेज बस आम यात्रियों के लिए शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो यात्री अपने घर जाना चाह रहे थे उन पर खुशी भी है। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ पिंटू सिंह नेरू का IVN TV जयपुर।